वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। भाइयों व बहनों, धनादि जड़ वस्तुएं हमारी हैं और हमारे लिए आवश्यक हैं। यह भाव मनुष्य को मन से ही उठा लेना चाहिए। मनुष्य को कभी भी उत्पाती विनाशशील वस्तुओं का आश्रय नहीं लेना चाहिए। उत्पाती विनाशशील वस्तुओं का आश्रय लेना, उनकी अधीनता स्वीकार करना योग मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग तीनों ही मार्गों में महान बाधा है। उत्पाती विनाशशील वस्तुओं को प्राप्त करके अपने बड़प्पन का अनुभव करना ही उनके अधीन होना है। सद्गुण सदाचार सत है और दुर्गुण दुराचार असत है। असत की तो सत्ता नहीं होती और सत का भी कभी अभाव नहीं होता। उत्पाती विनाशशील असत का संग करने के कारण ही सत प्रकट नहीं होता। अस्वाभाविक दुर्गुण दुराचार का त्याग कर दें तो सद्गुण सदाचार स्वतः सिद्ध है। जड़ वस्तुएं बदलती और आती जाती हैं, जबकि आत्मा कभी नहीं बदलती और सदैव ज्यों की त्यों रहती है। केवल प्रकृति के अंश को पकड़ने से यह सर्वथा स्वाधीन होते हुए भी पराधीन हो जाती है और जन्म मरण के बंधन से बंध जाती है। आध्यात्मिक उन्नति में सांसारिक वस्तु योग्यता आदि की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जड़ता से संबंध विच्छेद करने पर ही चिन्मयता की प्राप्ति होती है। वास्तव में चाहे धनवान हो या निर्धन, मन से धन की इच्छा का त्याग करने पर दोनों समान हैं। मनुष्य शरीर मिलने के बाद मनुष्य सांसारिक पदार्थों से निराश हो सकता है, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु किसी को बराबर मात्रा में और पूर्ण रूप से नहीं मिलती। परंतु सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा तत्व सभी को समान रूप से और पूरे के पूरे मिलते हैं। इसलिए परमात्मा तत्व की प्राप्ति से निराश होने का कोई स्थान नहीं है। मनुष्य शरीर मिल गया तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति का अधिकार भी मिल जाएगा। संसार को अपना मानते ही मनुष्य फंस जाता है और तरह तरह के दुख भोगता है। मनुष्य को चाहिए कि शरीर को संसार की सेवा में अर्पण कर दे और स्वयं को परमात्मा को अर्पण कर दे। अपने लिए कुछ करना है ही नहीं और अपने लिए कोई वस्तु है ही नहीं। ऐसा अनुभव होते ही संसार संबंध विच्छेद हो जाता है। यही कर्म योग है। संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का संबंध नहीं है। समय होते ही वह यहाँ से चल देता है। एक दिन सब वस्तुओं को ज्यों का त्यों
छोड़कर जाना पड़ेगा। सबकी सब वस्तुएं यहीं पड़ी रह जाएंगी, यह शरीर भी यहीं रह जाएगा। इसलिए जब तक संसार में रहना है तब तक निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करनी है। जब जाएंगे तब साथ कुछ ले नहीं जाएंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने लक्ष्य का निर्णय कर ले और लक्ष्य को वह रहे जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ भी करना जानना और पाना शेष न रहे। इसी को भगवान प्राप्ति कहते हैं। मनुष्य को दृढ़ता पूर्वक यह मान लेना चाहिए कि ये उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुएं मेरी नहीं हैं। स्टॉप।